हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम न्यूक्लियाई में और कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ, न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उसके बाद नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेस, और लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड। तो पहला हमारा है टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। यहाँ इसका ग्राफ प्रेजेंट है, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप न्यूट्रॉन से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो एक लिमिटेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है। उसके बाद फिर रैपिडली डिक्रीज हो रहा है लिथियम पे, फिर कार्बन पर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, फिर नाइट्रोजन पे रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, और ऐसे आगे बढ़ते हुए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की होती है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॉन्स्टेंट रहती है अप्रोक्स। और अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की, तो मेनली हमने दो पॉइंट्स देखे। फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडल मास नंबर द बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मैक्सिमम फॉर अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मास नंबर 56। मास नंबर 56 होता है आयरन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एटोमिक मास लेस देन 30 एंड हैवी न्यूक्लियाई एटोमिक मास ग्रेटर देन 170 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लोअर। यानी इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो बहुत कम होती है, लोअर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। न्यूक्लियर फोर्स होता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। यानी जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं आपके, उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट है हमारा एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 फर्मी। 1 फर्मी यानी 10^-15 मीटर द न्यूक्लियर फोर्स इज हाईली अट्रैक्टिव। यानी 1 फर्मी के डिस्टेंस पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हाईली अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड इट इज सैचुरेटेड फोर्स, ये एक सैचुरेटेड फोर्स भी है। अगर हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो वो इक्वल होता है फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड वो इक्वल होता है फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स होता है वो ऑलवेज इक्वल रहता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी ये नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह सेंट्रल या कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज लेस देन 0.8 फर्मी दे बिकम रिपल्सिव। इसका मतलब अगर हमने न्यूक्लियॉन्स के बीच के डिस्टेंस को 0.8 फर्मी से कम कर दिया तो वो रिपल्सिव हो जाते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो जाता है और रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम 8 फर्मी से बात की बात करें तो कुछ लिमिट तक अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन जैसा आप जानते हैं एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो कुछ टाइम के बाद फोर्स की रेंज खत्म हो जाएगी और फोर्स कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 100 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, एंड 10^39 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के जो फिनोमेना है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल ने इन 1986। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट से अगर कुछ भी एक्टिव रेडिएशंस एमिट होते हैं तो उसी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय एन एलिमेंट वाज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिविटी। नेचर में 3 टाइप के रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। अगर हम बात करते हैं अल्फा डिके की, तो अल्फा डिके में हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो एमिट होता है। यानी अगर हम अल्फा डिके को रिप्रेजेंट करें तो हमारा एक एलिमेंट एक्स है जो कि डिके होके हमारे नेक्स्ट एलिमेंट वाई में कन्वर्ट हुआ है, साथ में हीलियम न्यूक्लियस एमिट हुआ है, और साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हुई है। यानी क्यू क्या है, एनर्जी रिलीज इन द डिके। अगर हम एनर्जी रिलीज इन द डिके की बात करें तो फिर से क्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट क्या हुआ, मास इनिशियल मास ऑफ एक्स माइनस फाइनल मास ऑफ वाई प्लस हीलियम न्यूक्लियस। अगर हम बात करते हैं डिके की, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर एक्स का मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो अगर ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो वाई का मास नंबर हो जाएगा ए माइनस फोर और एटॉमिक नंबर हो जाएगा जेड माइनस टू प्लस हीलियम टू और फोर। अगर हम बैलेंस की बात करें तो
ए माइनस फोर प्लस हीलियम का न्यूक्लियस फोर, टोटल ए के इक्वल आएगा, और जेड माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जेड के इक्वल आएगा, यानी हमारी रिलेशन एकदम करेक्ट है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें अल्फा डीके पर, तो हमारे पास यूरेनियम है जो कि डीके हो रहा है थोरियम में, साथ में हीलियम न्यूक्लियस एमिट हो रहा है और क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, और हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी रिलीज, यानी क्यू कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन दे रखा है यूरेनियम का मास, थोरियम का मास और हीलियम न्यूक्लियस का मास। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने अभी अभी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम वाई माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। यहां पर x की जगह पर यूरेनियम प्रेजेंट है, तो अगर हम बात करते हैं मास ऑफ यूरेनियम, तो मास ऑफ यूरेनियम हमें गिवन है 238.05079 यूनिट, माइनस थोरियम का मास है 234.04363 यूनिट, माइनस हीलियम का मास है 4.00260 यूनिट इंटू सी स्क्वायर। अगर हम इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 0.00456 यूनिट इंटू सी स्क्वायर। लेकिन अभी भी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर मास यूनिट में गिवन है और हमें चाहिए केजी में, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10^-27 केजी होता है। तो यहां अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 0.00456 इंटू 1.67 इंटू 10^-27 केजी इंटू सी की वैल्यू होगी 3 × 10^8 का होल स्क्वायर। और अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 0.00456 इंटू 1.67 इंटू 10^-27 होता है 0.00767 76152 इंटू 10^-27 केजी, और इससे मल्टीप्लाई होगा 9 × 10^16। तो हमारी एनर्जी आ जाएगी टोटल 0.0685368 इंटू 10^-11 जूल। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यू इज इक्वल्स टू 0.0685368 इंटू 10^-11 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10^-19। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.042 इंटू 10^8 यानी 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास जिससे हम क्विक आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमारे एंट्रेंस में यूज होती है, तो हम उसको यूज करते हैं। हमारा क्यू का फॉर्मूला था डेल एम सी स्क्वायर। अगर हमें मास डिफेक्ट यूनिट में पता है तो यूनिट में हमारा मास डिफेक्ट था 0.00456 यूनिट, और अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूं तो उसके लिए मेरे को 1.67 इंटू 10^-27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में हमारी वैल्यू थी 39 × 10^16 स्पीड ऑफ लाइट। ये आंसर हमारा जूल में आएगा। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो वो आएगा 1.6 इंटू 10^-19 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो हमारी ऑलवेज वैल्यू आएगी इनको कैलकुलेट करने के बाद 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम कोई आंसर निकालने के लिए हम सीधे मास डिफेक्ट जो कि हमारे पास यूनिट में गिवन है उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा, यानी 0.0456 यूनिट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट। तो मेरा आंसर आएगा 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हम इस टेक्निक का यूज, इस ट्रिक का यूज एंट्रेंस में कर सकते हैं क्विक आंसर के लिए। नेक्स्ट है हमारा बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होगा, या तो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या हमारा पॉजिट्रॉन एमिट होगा। अब आप सोच रहे होंगे पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन कुछ नहीं है, पॉजिट्रॉन सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सिर्फ चार्ज डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर हम बात करें बीटा डीके की, तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड इन बीटा डीके। पॉजिट्रॉन्स क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे बी नेगेटिव से। तो पॉजिट्रॉन है पार्टिकल विद सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट विद अ चार्ज अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन। अगर हम बीटा नेगेटिव की बात करते हैं, तो उसमें जो आपका एलिमेंट है एक्स, वो वाई में कन्वर्ट होगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। अगर हम बात करते हैं फॉर बीटा पॉजिटिव डिके यानी फॉर पॉजिट्रॉन डिके, तो यहां पर एक्स एलिमेंट डिके हो रहा है वाई एलिमेंट में, साथ में आपका पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है यानी एमिट हो रहा है, साथ में न्यूट्रिनो प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव में कि बीटा नेगेटिव में जेड प्लस वन रहेगा और बीटा पॉजिटिव में जेड माइनस वन रहेगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। अगर आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर पेपर में फ्रीक्वेंटली बीटा डीके बोला जाता है तो आपको हमेशा बीटा नेगेटिव डीके को ही प्रिफर करना है, पॉजिट्रॉन के बारे में आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट है हमारा गामा डीके। गामा डीके की अगर हम बात करें तो फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी आर एमिटेड इन गामा डीके, यानी गामा डीके में फोटॉन्स एमिट होते हैं और हम जानते हैं फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, यानी हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वो चेंज नहीं होगा। यानी फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी आर एमिटेड इन गामा डीके एंड एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर रिमेंस अनचेंज्ड। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेस में हमें रेडियो एक्टिव रेस का नेचर के बारे में पता करना है। रेडियो एक्टिव रेस के नेचर के बारे में सबसे पहले पता किया था रदरफोर्ड ने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हम उस एक्सपेरिमेंट की यहां पर बात करेंगे। उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया था, उस लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी यूरेनियम रखा था। और लेड बॉक्स, उन्होंने एक लेड बॉक्स ही क्यों यूज किया, उन्होंने लेड बॉक्स इसलिए यूज किया क्योंकि लेड बॉक्स जो होता है उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर एक छोटा सा स्पेस है जहां से हम रेडिएशंस निकल रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, दो यहां पर प्लेट लगा दी है यानी पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट, यानी उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट कराई है। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और जैसी पार्टिकल्स एमिट होंगे, तो उन्होंने देखा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे नेगेटिव प्लेट की तरफ, या और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन से थे, अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। और उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, यानी वो जो पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव थे, और वो पार्टिकल्स जब देखा गया तो वो पार्टिकल पाया गया कि वो पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स थे। लेकिन एक पार्टिकल और था जो ना ही पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था और ना ही नेगेटिव की तरफ, और वो पार्टिकल था हमारा गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल जो है वो चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो हमारा बीटा पार्टिकल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और थर्ड गामा पार्टिकल ये हमारा न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। और इसी के साथ आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके चैनल रॉकिंग गुरु।